अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज हम खड़े हैं जी न्यू सिटी फेज़ टू के जे ब्लॉक में। हमारे पास 5 मरले के 2 घर हैं, सेट बना हुआ है ये। आप इसकी फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, इस पे कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई। इसके ऊपर आप जो है प्लास्टर हुआ हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर ऑफ वाइट था, क्रीम सा कलर हुआ हुआ है, कॉर्निंग कलर इसमें हुआ हुआ है। तो घर की एलिवेशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही मॉडर्न है। 5 मरले के 2 घर बने हुए हैं। स्ट्रीट का साइज आप देख सकते हैं, 20 फीट वाइड स्ट्रीट है यहाँ पे, और ये डायरेक्ट आपके मेन बुलेवार्ड पे वहाँ से स्ट्रीट टच हो रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि लोकेशन इसकी आर्केड के बिल्कुल, न्यू सिटी का जो आर्केड है उसके बिल्कुल सामने घर ये मौजूद है। 20 फीट वाइड स्ट्रीट है, तो आने जाने में कोई मुश्किल नहीं है आपको। बिजली पानी हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। बाहर छोटा सा हमारे पास एक गार्डन दिया हुआ है, तो अभी मैं घर आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये जी आ गए हम घर के अंदर कार पोर्च में। इसके कार पोर्च पे मार्बल हुआ है सारा, ऊपर फॉल सीलिंग हुई भी है, और हमारे पास यहाँ पे एक सेडान और बल्कि एक एसयूवी गाड़ी भी बड़े आराम से खुले डुल्ले यहाँ पे खड़ी हो सकती है। हमारे पास साइड पे थोड़ी सी जगह दी गई है, हमारे पास यहाँ पे आप कोई स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं, बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं। और डबल यूनिट है ये, इसकी जो एंट्रेंस है ऊपर की वो बाहर से ही है, आप इसको कवर कर सकते हैं ताकि आप परेशान ना हो अगर आपने ये घर रेंट पे भी देना है। तो 2 एंट्रेंस है हमारे पास, वो जो सामने वाली मेन एंट्रेंस है ये इसकी जो है वो ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। बाकी स्टेयर्स के नीचे यहाँ पे हमारे पास एक वॉशरूम दिया गया है। ये वॉशरूम भी बड़ा अच्छे साइज का, बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा वॉशरूम है हमारे पास। बाकी स्टेयर्स के नीचे हमारे पास ये भी स्पेस है, इसको आप एज अ स्टोर यूज़ कर सकते हैं इसका, कि कैबिनेट्स लगवा के। अब ये इंटर हो गए जी हम, इसकी मेन एंट्रेंस है। ये हमारे पास आ गया इसका जी लिविंग एरिया। टाइलिंग हुई भी है फ्लोर पे थ्रू आउट, और बड़ी अच्छी किस्म की टाइलिंग हुई हुई है ये, चाइना की। और ये सामने हमारे पास है जी इसकी मीडिया वॉल। मीडिया वॉल के साथ हमारे पास स्टोरेज स्पेस है डबल, और काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। नीचे ऊपर बैक साइड पे वॉलपेपर हुआ हुआ है, बड़ी एक एलईडी आ सकती है बड़े आराम से। यहाँ पे छत पे फॉल सीलिंग हुई भी है। ये वाला एरिया जो है हमारे पास, ये आ जाता है जी हमारा ड्राइंग रूम। आपके गेस्ट वगैरह बाहर से आके यहीं पे बैठ सकते हैं, और जो सामने वाला वॉशरूम है जो इसका पाउडर रूम है वो यूज़ किया जा सकता है। ये है हमारे पास जी इसका किचन। किचन के साथ यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन छोड़ी गई है खाना वगैरह सर्व करने के लिए। बाकी किचन अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोर पे कैरामल कलर की टाइलिंग हुई भी है, दीवारों पे भी टाइलिंग हुई भी है, और जो कबर्ड्स का कलर है वो टाइल्स के साथ मैच किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसकी छत के ऊपर जो है हमारे पास मार्बल हुआ हुआ है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी इसके 2 बेडरूम्स। ये है जी दोनों ही बड़े साइज के बेडरूम है हमारे पास। हम इसके फर्स्ट बेडरूम में आ गए, यहाँ पे भी फ्लोर पे टाइलिंग है, छत पे सीलिंग हुई भी है, और यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा चेंजिंग एरिया है, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह जो है स्टोर कर सकते हैं। सामने ही हमारे पास इसके जी अटैच वॉशरूम आ गया इसका, जिसमें थ्रू आउट टाइलिंग हुई भी है बड़ी खूबसूरत किस्म की। और इस वॉशरूम के ऊपर छत थोड़ी सी छोटी की गई है, क्योंकि इसके ऊपर हमने ये जगह बनाई है जहाँ पे आप चीज़ें वगैरह अपनी स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका दूसरा बेडरूम दिखा देता हूँ। ये जी आ गए हम इसके सेकेंड बेडरूम में। यहाँ पे भी साइज हमारे पास अच्छा है बेडरूम का। नीचे हमारे पास टाइलिंग हुई भी है, फॉल सीलिंग हुई भी है। यहाँ पे हमारे पास एक ड्रेसिंग एरिया भी बनाया गया है, जिसमें हमारे पास एक ड्रेसिंग टेबल जो है वो मौजूद है, शीशा वगैरह लगा हुआ है। अगेन यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग एरिया आ गया। ये यहाँ पे स्टोरेज है हमारे पास, ये है जी सामने ही इसके बिल्कुल अटैच रूम का वॉशरूम है, और इसके ऊपर हमारे पास कैबिनेट्स लगी हुई हैं जहाँ पे हमारे पास स्टोरेज स्पेस है। ये डोर है, इसके पीछे हमारे पास तकरीबन 4.5 से 5 फुट की गली है, जहाँ पे आप अपना वॉशिंग वगैरह कर सकते हैं, कपड़ों की तो लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। इस डोर से हम एंटर हुए डायरेक्ट लिविंग रूम में। लिविंग रूम के साथ हमारे पास ड्राइंग रूम था, उसकी बैक पे किचन है, और साथ हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे। ये जी आ गए हम इसके अभी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर आते ही हमारे पास ये एक छोटी सी गैलरी टाइप जगह है, यहाँ पे आप सोफा वगैरह रख के बैठ भी सकते हैं, कुछ स्टोर करना चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। ये यहाँ से इसका टेरेस का एरिया है। इस विंडो को खोल के आप इस विंडो से अपने टेरेस के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, और टेरेस को यूज़ कर सकते हैं।
अगेन हमारे पास दो एंट्रेंस हैं, फिर से हम एंटर हो गए इसकी मेन एंट्रेंस से, जहाँ से हम डायरेक्ट इसके आ जाते हैं लिविंग रूम में। अगेन मीडिया वॉल है हमारे पास, बड़ी एलईडी आ सकती है यहाँ पे, और बहुत सारी स्टोरेज स्पेस है, बैक पे इसके वॉल पेपर हुआ है। इसके साथ हमारे पास आ गया जी इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के सामने एक बड़ी विंडो दी गई है और एक छोटा सा टेरेस दिया गया है, यहाँ से आप इसको खोल के इसके टेरेस पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे किचन है हमारे पास, अगेन किचन उसी स्टाइल में है, ओपन विंडो है सामने उसके, और वही कैरामल कलर की टाइलिंग हुई हुई है नीचे, एंड उसको जो है कैबिनेट्स के साथ मैच किया गया। या आ गए हम इसके फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में, और ओवरऑल घर के थर्ड बेडरूम में। यहाँ पे भी अच्छा काम हुआ है, टाइलिंग है छत पे जो है वो फॉल सीलिंग है। चेंजिंग रूम है, उसमें हमारे पास कैबिनेट्स हैं, अटैच वॉशरूम है, और ये दरवाज़ा खोल के हमारे पास पीछे तकरीबन 2 फुट की गली बनी हुई है, जहाँ पे आप से आपको हवा वगैरह आती रहेगी। ये जी आ गए इसके हम फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में, यहाँ पे भी हमारे पास टाइलिंग हुई भी है अच्छी, ऊपर सीलिंग हुई भी है। सामने हमारे पास यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है, एंड चेंजिंग रूम आ गया। चेंजिंग रूम में हमारे पास आ गई यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, कपड़े वगैरह स्टोर करने के लिए। वॉशरूम है, वॉशरूम की छत नीचे है अगेन, और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दी हुई है स्टोरेज स्पेस। अभी मैं आपको इसकी छत दिखा देता हूँ, छत पे भी हमारे पास एक वन रूम का सेटअप है विद अटैच वॉशरूम। ये जी हम इसकी छत पे आ गए, अभी छत पे हमारे पास एक बेडरूम है, इसको आप एज अ सर्वेंट क्वार्टर यूज कर सकते हैं, एज अ स्टोर रूम यूज कर सकते हैं, अपने घर का ही फिफ्थ बेडरूम इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास यहीं पे एक अटैच वॉशरूम भी है, इसके साथ ये वाला जो डोर है यहाँ पे हमारे पास इसका जो है वो अटैच वॉशरूम आ जाता है। लोकेशन देख लें, लोकेशन वाइज घर बड़ा अच्छा है, सामने हमें जो है वो आर्केड नज़र आ रहा है यहाँ से, जहाँ से आपको हर चीज़ मिलने में आसानी ही नहीं, बहुत आसानी है, हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाया करेगी। तो ये था जी हमारे 5 मरले के घर का विजिट, न्यू सिटी फेज 2 के जे ब्लॉक में। 5 मरले का घर है, 2750 इसका साइज है, और इस घर की जो डिमांड ओनर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1,30,00,000 रुपए। स्टिल प्राइस इज नेगोशिएबल, आप अगर इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0321-800-4186, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ओनर के साथ मिलवा देंगे, आपकी डील इंशाल्लाह हम कम से कम पैसों में करने की कोशिश करेंगे, और हम आपसे चार्ज करते हैं ओनली 1%, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, जो टोटल वैल्यू है उसका 1% सिर्फ आपसे चार्ज करते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।